दादी हैं, और रजत ठाकुर दादी हैं, और महेंद्र सिंह ठाकुर जी चाची हैं। तो तू देख सका है भी सुआ तेज तरार की है, ताज गुण मुंजो भी लगी है, पता भाई कैसी तैयारी रहा। मारो ताली। सर लू मुकाई थे कि नहीं? मेरी पारी दर्शको क्या बोला, मेरी ना दादी री ताली कोई छठी ताली होगी, मेरी एक रिकॉर्डिंग अंदर सात हुई। खुशी मनानी है, नाचना है आंगन में, खूब कूदना है, डीजे लगने हैं, नाचेंगे कूदेंगे, सारी उम्र हो गई मार को यही नाचते आई। अच्छा, हाँ हाँ, नाचते नाचते सारी उम्र हुई, सारी उम्र हो गई, और आगे को भी खूब नाचेंगे कूदेंगे। मारा पोते का टाइम कौन देखता है, हम देख रहे हैं। दर्शकों तो दस दू ठो गुआनी रजत ठाकुर जी री, और इतनी देखो तुम गाइया भैंसिया सब पाली रही। ताजी तुम तो सना था जी रजत जी रे बारे, बचपना विच केड़े थे शरारती थे बड़ी बारी? हाँ बिल्कुल शरारती नहीं था यार, बिल्कुल शांत बच्चा, बिल्कुल ऐसा जे आज कल है ना, एड़ा आया था बचपन ना अंदर। ज्ञानी दुनगी बिल गाई तुसे जी, दूध भी बेचा है, बेचा है दूध भी बेच दे, बेचा है एक्चुअली दूध ज्यादा हो जाए ना तब बेच दे। हाँ जी, बाकी घा वगैरह कौन काटा है? घा कटी की लेडी भी रख रही ना, बाकी सब कटाए, घा भी कटाई, मेरी सासू भी कटाए, सब करें। रिफ्रेश मैट्रेस India's number one customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, तो सबका स्वागत है इस बहुत खास रिपोर्ट अंदर। हाँ स्वागत साहु की विनीता ठाकुर, और कैमरा पर मुकेश ठाकुर। इस टाइम हाँ चंजियार गांव आई, और हाँ ही इस टाइम रजत ठाकुर का घर है, जो कि बीजेपी प्रत्याशी है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र थे। और एक बार हम तो घर आए नजारे दोस्तों, ये देखो तुम इस टाइम इस साइड हो इनारा घर आ, और बाकी पूरा जी मुझो बड़ा एड़ा हुआ था भी मां भी जाना मंत्री साहब आएगा, मंत्री साहब घर केड़े हुए हैं, मां देखना था माहौल अपने आप कि भी जब इलेक्शन हुआ है, जब कोई प्रत्याशी हुआ है तो तीन अरे घर आ माहौल क्या हुआ, घर अरे परिवार क्या क्या कर रहे, इलेक्शन आ रहे थे इस मतलब टाइम हो, और बाकी क्या तीन दिमागो चीज़ें चली रही हुई से सारी चीज़ें मां आज आपको भी जाननी। तो तू सब तो दसूँ इस टाइम तो देख रहे हैं वो सारे रजत ठाकुर फैमिली है, तीन दादियाँ खड़ रही, चाचियाँ खड़ रही, और तीन सौगी धर्मपत्नी भी आ सकन सौगी। तो आसा सब दे पहले शुरुआत करनी दादी जी ते, दादी जी का गप्पा मारनिया सह देख लो उसे भाई, ये देखो स्वैग है ना कि मतलब झुल गया ना पता भी हाँ भी अस धर्मपुर इलाके अंदर कि नहीं है दादी। हाँ ठीक है, अच्छा दसा तू सेना देखा इलेक्शन तो पोत्रू खड़ रहे अब की बारी, ठीक है तो क्या लग करा तू, सो केड़ा मॉल लग करा? अच्छा लगता है जी, मारा मॉल अच्छा लगता है, मारा पोत्रू दादी। हाँ हाँ अपनी बस ये नेते वाली के दिनी ये नहीं ना 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 मंडियाली अंदर चढ़ देते हैं राजा मेरे से जन्म आगे फिर नेते नेते देखा सो पैदा भी कितने आगे कि नहीं ऐसा है बेटे ना भाई मारा बड़ी भारी खुशी है मारे को, देखो बेटे भाई मारा पोत्रू का भी हम टाइम देख रहे को बड़ी खुशी है, हमारा पोता बहुत वोटों से ऊपर होए, हर बहुत तरक्की में जाए, हम बड़ी खुशी है, और सारी दुनिया से माता बहना सब उसको वोट दे तो हम बड़ी खुशी से अपने पोते को खुद देखेंगे हैं भाई, हमारा पोता भी यहाँ पहुँच रहा है। अगर रजत ठाकुर जी जीती गए हाँ। तो क्या करना तू सजी तुम खबर आएगी भी हाँ जीती गए, फिर पहला रिएक्शन क्या होना तू सारा? खुशी मनानी है, नाचना है आंगन में, खूब कूदना है, डीजे लगने हैं, नाचेंगे कूदेंगे, सारी उम्र हो गई मार को यही नाचते आई। अच्छा, हाँ हाँ, नाचते नाचते सारी उम्र हुई, सारी उम्र हो गई, और आगे को भी खूब नाचेंगे कूदेंगे, मारा पोते का टाइम कौन देखता है, हम देख रहे हैं। ताई थी आगे दूजे दादी भी है, दादी के डर करा तो आज बहुत अच्छा लग गया करा, आज से बुजुर्ग से लेकर के आज दिन तक हम बड़ी खुशी में है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी माने ताने थे, उनको भी दुनिया जानती थी, और उसी फैमिली में हमारी शादी भी हुई, अब हमारे बच्चे भी हुए, हम पोतों तक जो है तो खुशियां ही मना रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है, और ऐसी बात कुछ नहीं है, अच्छा माहौल है, अच्छी स्थिति है, अच्छा परिवार है बचपन से, और जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमने भी ऐसी खुशियां लुटाई। दर्शकों यूं देखो, यूं दोनों चाची जी दादी हैं, और रजत ठाकुर दादी हैं, और महेंद्र सिंह ठाकुर जी चाची हैं। तो तू देख सका है भी सुआ तेज तरार की है, ताज गुण मुंजो भी लगी है, पता भाई कैसी तैयारी रहा। मारो ताली। और यूं आ सकने सौगी रजत ठाकुर जी रे धर्म पत्नी है मंजू जी, स्वास्थ्य वाले स्वागत है। थैंक यू सर चलो, और एडा दसो की केड़ी चल रही, मतलब क्या माहौल हुआ जी, टिकट मिली है रजत ठाकुर जी हो ते, तो बाद फिर तुसा दिमाग अंदर क्या चली सब दे पहले गल?
उससे ये चली कि अब तैयारी कैसे करनी है, किया जाना लेडीजा किए करनी इकट्ठी, पर हमारे असरे गाँव वाली लेडीजा बहुत हुई एक्टिव भी पूरी मेरे सौगी पूरी ट्रैवलर फुल हुई डेली। अच्छा। फिर भी लेडीजा रही जाई बोला यहाँ सा रहेगी या सा भी नहीं हुआ। एक्चुअली मैं 2-3 दिन परे थी सरका घाट, तो लेडीजा फोन ना करी करी ने कि तू सा कदी आना दीदी कदी आना। अच्छा। कने आसा कदी जाना वर्करी करने बड़ा भारी जोश सा पूरी लेडीजा जो। हाँ जी, आज मतलब दिमाग बिच क्या क्या चीजें चलनी, बड़ा कि चल दूंगा भैगा के भी निकला है तुसे इतना, क्योंकि देखो दर्शकों एक जेड़ी महिला हुई ना तिना पर बाहर लेगा मैं सौगी सौगी पारिवारिक जो जिम्मेवारी हुई सो भी बहुत हुई, घर बार देखने बच्चे देखने, तो तुसे किया मैनेज करें कितने बजे भैगा निकला है कितने बजे सांझा पूजा है? अस भैगा 4 बजे उठी ने खाना खुना बनाई ने, फिर 8 बजे इं दूर जाना हो तो अस 8 बजे रेडी हुई करने, 8:30 बजे निकलियाँ हैं, और नज़दीक जाना हो तो 9 बजे हैं जी। हाँ, एक बस आ सारी परे रैलियाँ चल रही संधोल, बाकी 2 गड्डियाँ मेरी सौगी लेडीज़ आ रही चल रही पैड़ पंचायत। अच्छा। और एक गड्डी मेरी सासू सौगी ना चली गिरी निकली सो निकली गिरी हुकड़ लोंगड़ी पंचायत। अच्छा, तो सासू अलग चली गिरे निकली गिरे सुहान जी। अस एड़ा बोलना चाहे बेटिए ना भी अस जियाँ जी पीछे मंत्री थे, मंत्री ने इतने बड़े काम किए और लोग बड़े खुश है, बहुत खुश है। इतने काम तो जिंदगी अंदर कोसी भी नहीं करने थे आए ना करी सकते थे, आगे भी जन्म ले लेगा ना तेस भी नहीं करने चाहे से पार्टी यार कोसी भी आई जाओ। दाई सो एड़ा दसाना था जी रजत जी रे बारे सो बचपन विच केड़े थे शरारती थे बड़े बारे? हां बिल्कुल शरारती नहीं था या बिल्कुल शांत बच्चा बिल्कुल ऐसा जे आजकल है ना एड़ा आया था बचपन अंदर ऐसा कने गलान कटे सरलू मुकाई था कि नहीं मेरी पाली निकाइया मैं क्या बोला मेरी ना दादी री ताली कोई छठी ताली होगी मेरी एक रिकॉर्डिंग अंदर सात हुई ता दर्शकों इस टाइम मंजू जी सो गया इना गन चलते चलते गप्पा मारनी क्योंकि भी कैंपेनिंग अगठे जाई करे और लेट हुई करे आसा भी आगे निकलना रसोई लगा रही ना इतनी लड़के रखी रे सो बनाए खाना बाकी जो भी आए तीन जो खाना खिलाना चाहे पानी सब कुछ व्यवस्था की तरी। अच्छा। तो बाकी दर्शकों आ तुसो दस दूं हेठ खो गुआनी रजत ठाकुर जी री और इतने देखो तुसे गाइया भैंसिया सब पाली रही ने और गाँव वाला माहौल पूरा मतलब गाँव भी चाहिए ऐसा गाँव माहौल है एडा नहीं है कि ब्यास मंत्री जी के घर आया था भी इतनी गाइया डांगे तो सुनी सूझने मुझे जब आऊँ भी आई थी मुझे सब पहले भैंस सूझती बड़ी बड़ी आके रेल थी मुझे देख दी। अच्छा जरा दसो ना कि अब जी घा वगैरह काटना इन्ना कट्ठे कि घा निकाला कुन इन्ना कट्ठे तुम रखी रहा ध्यानगी दुनगी भी लगाई तुम जो दुद्ध आदमी बेचा है बेचा है दूध भी बेचते हैं बेचा है एक्चुअली दूध ज्यादा हो जाए ना तब बेचते हैं। अच्छा। हाँ जी, बाकी घा वगैरह कौन काटा है? घा कटी लेडी भी रखी रही ना, बाकी सब कटा है घा, मम भी कटा है, मेरी सासू भी कटा है, सब सब करे। अच्छा, पीछे काम करे हैं गाय भैंस दूना मैं भी दूई मेरी सासू भी दूए सब सब काम कर लिया। और खेतर खेतर देखे मैं तो सारी जी डोरिया भी एट को ना और तो डोरिया डारिया सारे बीजा है सारा नाज बीजा है सारा नाज पहले बीजा थे पर अब इलका बगीचा लगाए तरह ना तो अब जी आए तौलिए तुलिए करने घास निकालना ये कर रहे हैं। कितना बगीचा लगा अमरूदा ना लगाए रहा बाकी मौसमी मौसमी ये नीचे मौसमी ना खेतर जी हाँ नीचे मैं खेतर हेठे भी देखे था मौसमी रा बगीचा ना मुझे एडा लगा था कि भी मंत्री साहब घर होना था मतलब एडा माहौल नहीं होना। अब दूजी गल देखो तुम हूँ तीन बहू है सौगी सुहा तिने कैंपेनिंग सुहा घर सारा काम करा है गाय धूने तो लेकिन सौगी घा का काम हुई गया खेतरा का काम हुई गया सारे बच्चे संभालने बहुत सारी की दुआएं दर्शकों युवा आ सकन सौगी रजत ठाकुर जी की चाची है सब चाची है और पूरे बिल्कुल तैयार है। देखो तुम भाजपा पटके पाई करने चली रहे तो कि चल रही कैंपेनिंग तू सारी बड़ी छैल क्या लगाओ की बारी चुनाव और माहौल कितो बिल्कुल बीजेपी की तरफ है भाई कौन रजतारी अजीत होनी पक्की गली पक्की गली रजतारी अजीत होनी मतलब पूरी तरह तैयारी तैयारी की तेरी जाए वोट मांगा है सारे तो एड़ा लगा कि पूरी मतलब रजतारी अजीत हो। अच्छा मतलब एड़ा दसो कि भी आजकल तू सही ब्याह कितने बजे हुई तो रात कितने बजे हुई ब्याह जी असे 4 बजे उठ जाए ना कहने फिर साझा रात लेट आए फिर भी कितने बजे हैं लास्ट आज तक कितने राती सब ज्यादा टाइम हुई रहो कितने देर हुई रही
दस भी बजे आए और जेंट्स ड्यूटी लगी थी सो भी लेट आवे फिर दस साढ़े दस ग्यारह भी बजे आए। अच्छा मतलब ये दसो तो जी देखो पहले महेंद्र सिंह ठाकुर जी थे सुवा चुनाव वो खड़े थे तीन कैंपेनिंग भी हुई थी तभी रजत ठाकुर जी तो क्या फर्क है तीना दोनों कैंपेनिंग अंदर कुछ भी नहीं है पहले भी हम उतनी वर्करी करते थे हर जगह जाकर आज भी उतनी करते हैं। माहौल पहले केड़ा हुआ था वैसा ही है बस थोड़ा ये हर घर में सड़कें पहुँच गई है पहले हम थोड़ा पैदल जाते थे अब तो सड़क से ही गाड़ी में उतर के थोड़ा ऊपर नीचे है गाँव ज्यादा दिक्कत नहीं है चलने में। तो दर्शकों ये था मंत्री साहब हमारे घर आते सारा खास प्रोग्राम तो आ गठे बाकी तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आशा के जुड़ने गठे दाई जी बड़ा बड़ा धन्यवाद तू सारा भाई दादी रहा तो ना स्वैग ही अलग आठ हुई ताली। अच्छा और मंजू जी क्या संदेश देना चाहें तुसे अस दर्शकों जो मेरा सभी धर्मपुर वासियों से अनुरोध आ कि आप रजत ठाकुर जो वोट दो कमलारे फुला पर मोर लगाओ और रजत जी जो विधानसभा पहुंचाओ मेरा विनम्र प्रार्थना है। तो दर्शकों मैं तो दस दूँ कि मंजू जी का जो मायका से भद्रवाड़ा और तिथे कुछ एक दूरी पर चार पाँच किलोमीटर दूरी पर मुकेश सर घर भी आ तो मुझे उस लाइन रे 100 रुपया अलग मिलने बोलने रे केड़ा लगे तो स्वास्थ्य सारे कार्यक्रम तुसा कमेंट करी कने जरूर दसना ज्यादा ऐसा रिपोर्ट हो तुसी शेयर करया और मुझे अपने आप बड़ी इच्छा थी जानने की कि क्या माहौल हुआ एक मतलब प्रत्याशी रे घरा क्या किया चला कितने बजे पूजाएं घरा महिलाएं क्या क्या कार्य करें तुसा सब भी जो पोल्स आए पूरी टीम तरफ फतेह कैंपेनिंग अगठे बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद जी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।